हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चों शुरू करते हैं आज कुछ नया सीखना। सबसे पहले आप अपने काम के ऊपर लिखेंगे आज की डेट जो कि है 8/10 यानी कि अक्टूबर 2021। मैथमेटिक्स वर्कशीट है यानी कि गणित की वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर है 89। स्टूडेंट्स नेम लिखेंगे और अपने टीचर का नाम लिखेंगे, क्लास से अपना सेक्शन भी लिखेंगे। संख्याओं में पैटर्न आज की हमारी वर्कशीट का नाम है। बच्चों क्या आपको ललित याद है जो पगडंडी की टाइलों पर छलांगे लगाकर खेलता है? आपने उस वर्कशीट में काम करते समय यह भी पता लगाया था कि ललित 3 संख्याओं की छलांगे लगाते हुए पगडंडी की कौन कौन सी टाइल पर पहुंचा था। वह जिन टाइलों पर पहुंचा था उन टाइलों की संख्या नीचे लिखी हुई है। जैसे बच्चों देखो ये है 3, फिर 6, 9, 12, 15। ललित की मम्मी ने उससे पूछा कि क्या वह इन संख्याओं को देखकर आगे आने वाली संख्या बता सकता है। ललित ने कागज पर छलांगे बनाए बिना झट से उत्तर दिया, 18। अब देखो हम हर बार जो ललित की हमने ललित की छलांगों वाली वर्कशीट करी थी उसमें हम छलांग लगाते थे, जैसे 3 है तो 3 से 6 संख्या पे आएगा, तो 6 से 9, तो यानी कि 3 की छलांग लगा रहा है, इसके बीच में 3, फिर 6 के बाद 9 में 3 जमा कर देंगे तो 12 में 3 जमा करेंगे 15, और फिर यहाँ क्या आना चाहिए, 15 में 3 जमा करेंगे 18 आएगा, 18 तो यहाँ पे आना चाहिए 18। तो इसलिए ललित ने झट से बता दिया। सोचो उसने ललित ने क्या ललित का जवाब सही है? हाँ ललित का जवाब तो सही है। क्या आपको क्या लगता है ललित ने कैसे पता लगाया होगा? सोचिए ललित ने कैसे पता लगाया होगा 15 के बाद क्या आना चाहिए। क्या आप आगे आने वाली संख्याएं बता सकते हैं, जैसे 3, 6, 9, 12, 15, फिर 15 में कितने जमा करना है, कितने कितने की छलांग है ये 3 की, तो 18 आ जाएगा, फिर 18 में हम दोबारा 3 जमा करेंगे, 21 में 3 जमा करेंगे, 24 में 3 जमा करेंगे, 24, 25, 26, 27। देखिए हमने किस तरह आगे तक संख्याओं को बढ़ा दिया। एक ऑडियो मैसेज की सहायता से अपने शिक्षक शिक्षिका को बताइए कि आपने इन संख्याओं का पता कैसे लगाया। अब बच्चों नीचे कुछ संख्याएं और अक्षर यानी कि अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, क्या आप हर पंक्ति की संख्याओं और अक्षरों में पैटर्न ढूंढकर उन्हें आगे बढ़ाएंगे? तो बच्चों जैसे हमने 3 की संख्या वाली में इधर पैटर्न ढूंढा, मतलब एक तरह से हमने पैटर्न ढूंढा कि इनके बीच में कितनी संख्याओं का अंतर है, 3 संख्याओं का अंतर है, तो हमने आगे लिख दिया। अब हमें हर में पैटर्न देखना है इसमें और आगे बढ़ाना है। जैसे ये है 5, फिर ये है 10, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, फिर 10 आया, तो यानी कि ये 5वीं संख्या है, यानी कि 5 में हम 5 जमा कर देंगे तो 10 आएगा। अब इसी तरह 10 में आप 5 जमा करो, 15 आ जाएगा, 15 में 5 जमा करेंगे 20, 20 में 5 जमा करेंगे 25, 25 में 5 जमा करेंगे 30, और 30 में 5 जमा करेंगे 35 हो जाएगा। अब अगला देखो 4 है, 5, 6, 7, फिर 8 आ रहा है, 8 के बाद 9 और 10, 11, फिर 12 आ रहा है, 12 के बाद 13, 14, 15, फिर 16 आ रहा है, 17, 18, 19, तो यहाँ आना चाहिए 20। तो एक तरह से देखो 4 का टेबल ही तो आ रहा है, 4 छोड़ के आ रहा है, 4 में 4 जमा कर रहे हैं 8, 4 में 4 जमा कर रहे हैं 12, अब 20, 21, 22, 23, फिर आ जाएगा 24, यहाँ मतलब चौथी संख्या आ रही है जमा करने पे, 24 में दोबारा 4 जमा करेंगे आ जाएगा 28। अब इस
इसमें देखो, ये दो है और ये पाँच है, दो तीन चार पाँच, यानी कि दो के बाद हमने तीन गिना, चार गिना, और चार तीन नहीं लिखा, चार नहीं लिखा, हमने पाँच लिख दिया। अब पाँच के बाद छः आता है, सात आता है, वो नहीं लिखा, आठ लिख दिया। अब आठ के बाद क्या आता है, नौ और दस, ये हमने नहीं लिखा, हमने ग्यारह लिख दिया। ग्यारह के बाद क्या आता है, बारह और तेरह नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे चौदह। चौदह के बाद पंद्रह और सोलह आता है, हम लिख देंगे सत्रह। सत्रह के बाद अठारह उन्नीस नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे बीस। तो इस तरह देखो आगे बढ़ाने हैं, हमें बस ये पता लगाना है कि इनके बीच में कितनी संख्याएं छोड़ रहे हैं, तो उसी तरह पैटर्न बनता चला जाएगा। अब ये है दस, फिर है बीस, फिर है तीस, फिर है चालीस। दस दस करके आगे बढ़े हैं, चालीस तो यहाँ देगा पचास, फिर यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा, खुद सोचिए। अब ये है 105, 205, 305, 405, तो यहाँ आना चाहिए 505, 605, यानी कि 100 बढ़ रहा है। अब यहाँ पे सोचिए क्या आना चाहिए। अब ये देखो 1A, इसमें देखो दो चीज़ें आ गई, संख्या भी है और अल्फ़ाबेट, यानी कि ए टू जेड के बीच वाले अल्फ़ाबेट भी हैं। तो अब हमें इसमें ध्यान से पैटर्न देखना है। देखो पहले ये एक है, फिर एक के बाद दो नहीं लिखा इन्होंने, इन्होंने क्या लिख दिया, तीन। तीन के बाद चार आना चाहिए था पर इन्होंने नहीं लिखा, इन्होंने लिखा है पाँच। फिर इधर छः आना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं लिखा, लिखा है सात। सात के बाद आठ आना चाहिए था, वो हम नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे नौ। एक एक छोड़ छोड़ के लिख रहे हैं, नौ तो आ गया। अब साथ में इधर अल्फ़ाबेट भी तो है, ए बी सी डी, ये सीधे सीधे हैं, तो यहाँ आ जाएगा ई। इसी तरह आगे के दो आप खुद सोचिए यहाँ क्या आना चाहिए। अब ये देखिए 20 अल्फ़ाबेट है और चार जेड क्या है, जेड अल्फ़ाबेट है और 20 नंबर, इसमें भी दोनों चीज़ें आ रही हैं। तो अब आपको सोचना है, ये 20 है, ये 40, ये 60, ये 80। 20 में कितने जमा करें, 40 आएगा 20। इसी तरह दोबारा 20 जमा कर देंगे, 60 आ जाएगा। 60 में 20 जमा कर देंगे, 80 आ जाएगा। 80 में 20 जमा करेंगे, आ जाएगा 100। अब अल्फ़ाबेट देखो बच्चों, इसमें उल्टा अल्फ़ाबेट लग रहे हैं। ए बी सी डी आप बोलोगे तो ए बी सी डी में टी वाली लाइन बोलो, आर एस टी, टी, फिर यू नहीं लिखा, वी लिखा है, एक्स एस टी यू वी, डब्ल्यू नहीं लिखा, एक्स लिखा है, वाई नहीं लिखा, जेड लिखा है, और उल्टा चल रहा है ये। तो टी के से पहले क्या आता है, आर, एस, एस आता है, आर एस टी, आर एस टी आता है, तो टी तो ये लिखा हुआ, अब हम उल्टा चल रहे हैं तो ये एस नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिख देंगे आर, तो ये हो जाएगा 100R। अब नंबर में क्या 20-20 जमा कर रहे थे, ये 100 है तो ये इधर 120 हो जाएगा। अब आर से पहले देखो क्या क्या आता है, P आता है, फिर Q आता है, फिर R आता है अल्फ़ाबेट में। तो R से पहले Q है, हम वो Q नहीं लिखेंगे, 100R लिखा था ना हमने यहाँ। R से पहले P Q R आता है, तो हमें Q नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे P लिखेंगे, और 100 में 20 जमा कर देंगे, 120 भी, फिर दोबारा 120 में 20 और जमा करेंगे, इधर 140 हो जाएगा। अब P से पहले क्या आता है, A B C D E F G H I J K L M N O P, N O P, तो ये जो P है ये यहाँ लिखा है, अब O नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे N। तो देखिए ये उल्टा, इनमें अल्फ़ाबेट में उल्टा पैटर्न बन रहा है, एन आ रहा है, फिर ओ नहीं लिख रहे हैं, एन ओ पी लिख रहे हैं, क्यू नहीं लिखेंगे, आर लिख रहे हैं, एस नहीं लिख रहे, टी लिखेंगे, यू नहीं लिख रहे, वी लिखेंगे, डब्ल्यू नहीं लिख रहे, एक्स लिखेंगे, वाई नहीं लिख रहे, जेड लिखेंगे, और इसमें सीधा पैटर्न चल रहा है, 20-20 जमा कर रहे हैं। समझ आया बच्चों, आपको पैटर्न देखना सीखना है। तो ये सभी सवाल करिए अच्छे से, कुछ समझना आया है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को 1 से 100 तक की गिनती 5 के पहाड़
करें कि संख्याओं को अंकित करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों, 1 से 100 तक की गिनती में 5 के पहाड़े को आपको लिखना है। कैसे? जैसे 5 लिखा, फिर 5 के बाद 10 होता है, 5 में 5 जमा किया 10, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 के 30, 5 सत्ते 35, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 10 50। ठीक है, क्या 5 10 पे ही ख़त्म हो जाती है गिनती पहाड़ा हमारा? नहीं, 50 के बाद हम लिख देंगे 5 11 55, उसके बाद 5 12, 5 जमा कर दो 55 में 60। इसी तरह आगे हम तब तक क्लिक करते जाएंगे 5 5 जमा जब तक 100 नहीं आ जाएगा। तो इस तरह आप लिखिए गिनती और आप मुझे भेज सकते हैं। COVID-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में से एक है कि मास्क पहन के ही बाहर जाना है। तो बच्चों, अच्छे से आज की वर्कशीट करिए और कोई भी मुश्किल आए तो अपने टीचर से ज़रूर पूछिए। टेक केयर बच्चों, बाय।